Hey guys, what's up? My name is Ashok and welcome in Game Compilo. तो दोस्तों आज हम फाइनली अनबॉक्स करेंगे RGB बजट गेमिंग हेडफोन को जिसका नाम है HEBE E1। दोस्तों मैंने ये परचेज किया Amazon से और इसकी प्राइस की बात हम लास्ट में करेंगे और मैं इसके साथ साथ अपना ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि आपको इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करके चलिए देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं बॉक्स के सामने कि आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर बताया गया RGB रिलाइजेबल साउंड और इकोनॉमिक कंफर्ट के बारे में, और दोस्तों यहाँ पर बताया गया कुछ रिमोट्स के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में कि यहाँ पर आपको कैसे कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो। राइट हैंड साइड में देख लिया जाए तो यहाँ पर कुछ कलर्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि आपकी जो हेडफोन की RGB है वो किस तरह ब्लिंक करेगी। और दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए बैक साइड में तो वहाँ पर भी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, हाई क्वालिटी RGB वगैरह वगैरह जो स्टेरो साउंड जो इसके साथ साथ आपको मिलता है। और इस साइड अगर आप देख लें तो यहाँ पर बेसिक्स स्पेसिफिकेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट बताई गई है, विंडोज़ XP 7, 8, 10 और के साथ सपोर्ट करता है, प्लस 3.5mm का जैक मिल जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करके चलिए इसे करते हैं अनरैप और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों मैंने कर लिया इसकी सील को ओपन और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। ऑलराइट, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा मेन हेडफोन यूनिट और अब इसको बाहर निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। ऑलराइट, तो दोस्तों इसको रखते हैं एक बार साइड में और देखते हैं। ओके, तो इसको रखते हैं एक बार साइड में और देख लेते हैं। दोस्तों हमें इसके साथ साथ कोई पेपर वर्क देखने को नहीं मिलता, ओनली हमें मिलता है अपनी एक हेडफोन। दोस्तों इसकी कंफर्ट की बात कर लें तो इसकी साइज बहुत ज़्यादा मिल जाती है जो कि आपके हेड के अनुसार फिट हो जाएगी। और ये RGB के साथ मिलता है जिसको मैंने कनेक्ट किया अपने PC से, जो आपको USB केबल मिलेगी उससे आप RGB को कनेक्ट कर सकते हो। और इसकी जो फॉर्म है बहुत रिलाइजेबल है, आपको कोई भी किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो मैं बात कर रहा हूँ वो 5 दिन यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ, जो कि मैंने इसको 5 से 6 घंटे कंटिन्यू लगा के देखा। और इसकी केबल की बात की जाए दोस्तों बहुत अच्छी केबल है, इसके ऊपर एक अलग से ही रैप की गई है जिससे कि अगर आप किसी भी तरीके से इसको बजाते हैं खींचते हैं तो किसी भी तरीके से इस पर कोई भी डैमेज नहीं आने वाला। यहाँ पर 2 बटन्स मिल जाते हैं जहाँ पर बताया गया आप RGB को कंट्रोल कर सकते हो, प्लस इसको म्यूट और ऑन कर सकते हो। इस साइड में आपको साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और दोस्तों 2 मीटर तक की केबल मिल जाती है जो कि बहुत होती है हमारी हेडफोन के लिए। और इस साइड देख लिया जाए तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, USB 3.5mm इन और आउट। और यहाँ पर देख लिया जाए तो दोस्तों सामने की साइड एक माइक मिल जाता है जो कि जिसको हम किसी भी तरीके से अपने अनुसार होल्ड कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए दोस्तों मैंने कर दिया है लाइट को बंद और आप देख पा रहे होंगे हो सकता है वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही हो, तो बट फिर भी दोस्तों मैंने अपना 100% दिया है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों RGB है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और बजट गेमिंग हेडफोन की प्राइस के अनुसार ये बहुत अच्छा मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ से आप इस RGB को ऑन और ऑफ कर सकते हो, तो ये भी आप एक अच्छी बात है। तो दोस्तों अब कर लिया जाए इसकी प्राइस की बात। तो दोस्तों मैंने इसे परचेज किया Amazon पर 1500 से 1700 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये एक बजट गेमिंग RGB के साथ मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि बुरा है। इसमें आपको एक केबल्स की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, RGB मिल जाती है और एक अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा साउंड मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे पब जैसी गेमों में ये आपको काफ़ी हद तक मदद कर देता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट खरीदना गलत बात है, ये अच्छी बात है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि आपको इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए अगर आपको एक गेमिंग हेडफोन की ज़रूरत है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हमारे पास और सब्सक्राइबर्स आएँ तो एक ही तरीका है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो हमेशा की तरह खुश रहिए, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।